और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के। रायपुर राजभवन में गुरुवार को राज्यपाल रमेश डेका प्रदेश के सभी शासकीय विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक की उन्होंने। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, कृषि उत्पादन आयुक्त सहला निगार, उच्च शिक्षा विभाग सचिव प्रसन्ना आर, राज्यपाल के सचिव यशवंत कुमार सहित सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित युवा उत्सव 3.0 कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उत्सव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है और वो हमेशा कहते हैं कि युवाओं को जॉब गिवर बनना चाहिए, न कि जॉब सीकर। निश्चित रूप से विकसित भारत बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवाओं पर है और इस लक्ष्य को पाने में छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर युवा उत्सव 3.0 में मुख्यमंत्री शामिल हुए और यहां पर उन्होंने युवाओं से कहा कि युवाओं को निश्चित तौर पर जॉब गिवर होना चाहिए, ना कि जॉब सीकर होना चाहिए। उत्सव में उपस्थित जितने भी युवा थे सभी को यहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि भारत को विकसित बनाने में जिम्मेदारी सबसे ज्यादा अगर किसी की है तो वो युवाओं की जिम्मेदारी है। तो युवा उत्सव 3.0 में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री और इस दौरान जो है युवाओं को संबोधित करते हुए वो नजर आए। और यहां पर आपको बता दें कि इस दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को जॉब गिवर होना चाहिए, ना कि जॉब सीकर। निश्चित रूप से विकसित भारत बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो युवाओं पर है और इस लक्ष्य को पाने में छत्तीसगढ़ की जो युवा शक्ति है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी। सबसे पहले सभी युवा साथियों को नमस्कार करता हूं, जोहार करता हूं। युवा उत्सव 3.0 राइजिंग भारत 2047 के इस कार्यक्रम में मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया है, इसलिए आयोजकों का मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। युवाओं के लिए, युवाओं द्वारा भारत के भविष्य को लेकर यह आयोजन अपने आप में अभिनव है। इस शानदार आयोजन के लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ और इसके साथ जुड़ी युवाओं की संस्था यंग इंडियंस हमेशा से ही हमारे देश प्रदेश में औद्योगिक नीतियों के सुचारू संचालन के साथ सामाजिक उत्तरदायित्वों के तहत काम करती रही है। मैं आपके इस आयोजन को लेकर इसलिए भी ज्यादा अभिभूत हूं क्योंकि आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 की थीम को ही अपने आयोजन की थीम बनाया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच को ही अपने माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास आप सब कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है और वे युवाओं को हमेशा कहते हैं युवा जॉब गिवर बने, न कि जॉब सीकर। मुझे पता चला है कि आप इस आयोजन के दौरान आपके अलग अलग विषयों को लेकर पैनल डिस्कशन होंगे जिसमें युवाओं के लिए उद्यम में अवसर पर बात होगी। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि CII और यंग इंडियंस के द्वारा हमारे वर्तमान और भावी पीढ़ी को युवाओं को सफल उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की गई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, आने वाले राज्योत्सव को लेकर भी इस बैठक में मंथन हो सकता है, साथ ही कई फैसलों पर भी मुहर लगने की संभावना है। इस बैठक में कर्मचारियों की भी निगाहें हैं क्योंकि कई दिनों से DA बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है। कैबिनेट में DA पर भी मंथन किया जा सकता है।
और राजधानी में कुछ दिन पहले नवीन सत्र के पाठ्यपुस्तक रद्दी में मिलने की घटना सामने आई थी। इसके बाद से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्शन लेते हुए पाठ्यपुस्तक निगम के महाप्रबंधक को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के द्वारा पुस्तक को लापरवाही पूर्वक रद्दी बनाने की घटना पर तत्काल संज्ञान लिया। वहीं मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। जीरो टॉलरेंस को लेकर के उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से हमारी सरकार काम कर रही है और सुशासन की सरकार भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। सुशासन के ध्येय से भ्रष्टाचार के सभी अवसर को खत्म करना हमारी प्राथमिकता है। लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी और मुख्यमंत्री ने प्राथमिक शिथिलता और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कही है। जीरो टॉलरेंस के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और आप लोग देख भी रहे हैं कि लगातार मतलब कहीं पर गलती हो रही है और जांच में सही पाए जा रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। पिछले दिनों पाठ्य पुस्तक की किताबें कबाड़ में मिली थी, हमारे संज्ञान में आने पर उसमें जो जिम्मेदार लोग थे दो अधिकारी को सस्पेंड किए और उसमें जांच बैठाएं, जांच की रिपोर्ट आएगी तो आगे फिर पूरी बात सामने आएगी और सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस में कायम रहेगी। कोई भी दोषीदार कोई भी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मिली स्वीकृति का स्वागत करता हूं। निश्चित ही इससे समय और धन दोनों की बचत होगी। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सहृदय आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक चुनावी सुधार नहीं है बल्कि भारत को एक मजबूत लोकतंत्र बनाने में भी सहायता प्रदान करेगा। चुनाव के इस ऐतिहासिक निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय देश के लोकतांत्रिक ढांचे को और अधिक मजबूत करेगा। यह सिर्फ एक चुनावी सुधार नहीं है बल्कि भारत को महान लोकतंत्र बनाने की दिशा में भी एक निर्णायक कदम होगा। मोदी जी की सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनी समिति के सिफारिशों का पालन करते हुए यह निर्णय लिया है और एक देश एक चुनाव इस निर्णय से देश को बहुत लाभ होगा। इसके नहीं होने से साल भर कहीं ना कहीं चुनाव होते रहता था जिससे समय की भी बर्बादी होती थी, पैसे की भी बर्बादी होती थी और आचार संहिता वगैरह लगे रहता था तो विकास काम भी अवरुद्ध होता था। लेकिन अब एक देश एक चुनाव ये लागू हो जाने से निश्चित रूप से देश को बड़ा लाभ होगा, जिसमें समय का भी बचत होगा, आर्थिक रूप से भी लाभ होगा और विकास भी लगातार चलेगा। मैं पुनः इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत। और उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव अमेरिका के अध्ययन प्रवास के बाद आज सुबह रायपुर पहुंचे। राजधानी वापसी पर स्वामी विवेकानंद विमानतल पर उनका भव्य और आत्मीय स्वागत किया गया। राजधानी रायपुर पहुंचते ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव सबसे पहले राजधानी रायपुर वीआईपी रोड स्थित भगवान राम मंदिर दर्शन पूजन करने पहुंचे। उन्होंने विधि विधान से यहां पर पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर अमेरिका के अध्ययन के बाद से अमेरिका के प्रवास के बाद से उप मुख्यमंत्री अरुण साव वापस लौटे हैं और यहां पर देखिए फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत एक तरीके से उनका किया गया। अमेरिका में अध्ययन प्रवास के बाद वो लौटे हैं और आपको बता दें कि राजधानी में वापसी के बाद स्वामी विवेकानंद विमानतल पर उनका भव्य स्वागत किया गया और इस दौरान फूलमालाओं से उनका स्वागत किया गया। वीआईपी रोड स्थित भगवान राम मंदिर पूजन दर्शन के लिए भी वहां पर पहुंचे। वापसी के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव
पूजा अर्चना करने की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जब मंदिर में वो पहुंचे और पूजा अर्चना उन्होंने की, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल अमेरिका में प्रवास के अध्ययन प्रवास के बाद लौटे और उसके बाद से कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत उनका किया और इस दौरान पूजा अर्चना करते हुए मंदिर में दर्शन करते हुए भी उप मुख्यमंत्री अरुण साव नजर आए। और मिनी माता स्कूल के छात्रों ने राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। संभाग स्तर पर शानदार प्रदर्शन के बाद खिलाड़ियों का चयन राज्य प्रतिभागियों यानी प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जो उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है, जिनमें गगन, लक्ष्मी, तनीश राठौर, तनीषा आदि छात्र छात्राएं शामिल हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य भोजेंद्र सिंह, संरक्षक दुष्यंत शर्मा, कल्याण शिक्षण समिति के सचिव गिरीश शर्मा, कोषाध्यक्ष केशव कुर्रे, उपाध्यक्ष विकास डालमिया सहित सभी कल्याण शिक्षण समिति के पदाधिकारियों ने छात्रों की इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि छात्र राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। चयनित खिलाड़ी स्कूल और जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतियोगिता में विजयी होंगे। साथ ही खिलाड़ियों के नेतृत्व कर रहे कोच गोपाल दास महंत को बहुत बधाइयां देते हुए उनका आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 21 सितम्बर से 24 सितम्बर तक किया जाएगा। तो कोरबा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं यहां पर देते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर विद्यालय प्रबंधन ने छात्रों को बधाई दी है। और इस दौरान आपको बता दें कि विद्यालय प्रबंधन ने छात्रों को जब बधाई दी तो मिनीमाता स्कूल के छात्रों ने राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है और छात्रों को, छात्र छात्राओं को जो इसमें प्रतिभाग ले रहे हैं इस प्रतियोगिता में, उन्हें बधाई दी गई। और सरगुजा पुलिस को दुष्कर्म के फरार आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज करने के अनुसार जो है आरोपी साबिर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी पर पिछले एक साल से शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। प्रकरण का आरोप साबिर अंसारी अपराध कर लगातार फरार चल रहा था, जिसके बाद से पुलिस ने टीम बना करके तत्काल टीम राजस्थान भेजी, जहां आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश देकर आरोपी साबिर अंसारी को गिरफ्तार किया गया। और अब खबर सुकमा से है, जहां जादू टोना के शक पर तत्काल पंचायत ने, ग्रामीणों ने जो है 5 लोगों की हत्या कर दी थी। पूर्व मंत्री और कोटा विधायक कवासी लखमा के जांच साथ जो है जांच समिति दल ग्राम उत्कल पंचायत पहुंचा। वहीं जांच टीम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। आपको बता दें कि कांग्रेस जांच समिति की ओर से प्रदेश कांग्रेस को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वहीं इसी मामले में शामिल 7 और लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में एक आंध्र प्रदेश और एक ओडिशा निवासी शामिल हैं। तो सुकमा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीते दिनों जादू टोने के शक में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई थी। दरअसल इस मामले में कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया था, एक कमेटी बनाई थी जो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। और अब कहा यह भी जा रहा है कि जो ये समिति पीड़ित परिवार से मिली है, ये अपनी जांच रिपोर्ट अब कांग्रेस पार्टी को सौंपेगी और उसके बाद से ही आगे कुछ इसमें प्रदेश कांग्रेस को सौंपी, जब ये रिपोर्ट जाएगी उसके बाद से आगे इसमें कोई कार्रवाई होगी। कवर्धा हादसे में कांग्रेस ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरा जांच दल है, पुलिस की टीम है, कांग्रेस अगर टीम बनाना चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बनाए टीम। उन्होंने कहा कि आपके माध्यम से हम सभी से यही कहना चाहेंगे कि केवल सरकार या पुलिस प्रशासन ऐसे मामलों पर मदद नहीं कर सकती, इसके लिए सभी को जागरूक होना होगा और इस तरीके से नियंत्रण के लिए रोकना होगा। आपको बता दें कि उन्होंने इस मामले में कहा कि अंधविश्वास कम हो, इसके लिए हम बस्तर क्षेत्र में निचले अमले तक जा रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति उन्हें जानकारी दी जा रही है ताकि वो स्वास्थ्य के प्रति किसी भी समस्या के लिए अंधविश्वास पर यकीन न करें। देखिए, हमारे पास जांच करने के लिए हमारी पूरा प्रशासनिक टीम है, पुलिस का अमला है,
उस पर जांच से तथ्य आएंगे और कांग्रेस अपना जांच टीम बनाई है या बनाना चाह रही है तो बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी तथ्य हो सामने आए। परंतु इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के घटनाओं को कोई भी सरकार हो, केवल सरकार के माध्यम से हम नहीं समाप्त कर सकते, समाज में इसके लिए जागरूकता लाना होगा। और इसी को देखते हुए हम हेल्थ के सेक्टर में बस्तर क्षेत्र में नीचे से नीचे तक पहुंच रहे हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियां हैं वो समाप्त हों, लोगों में जो अंधविश्वास है, लोगों में जो जादू टोना के प्रति आज भी हमारे इस विकसित और डेवलप जो समाज में इस प्रकार की जो बातें हैं वो समाप्त होना चाहिए। वो हर से अपील है, आपसे भी अपील है, आम जनता से भी अपील है, बुद्धिजीवियों से अपील है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं इसको चिंता करते हुए समाज के लोगों को इन सब अंधविश्वास और जादू टोना और कुरीतियों के प्रति जागरूक करने का प्रयास करें। और साल के आखिरी महीने में उपचुनाव हो सकते हैं। कांग्रेस ने दक्षिण विधानसभा चुनाव के लिए 9 सदस्यीय कमेटी गठित की है। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये वो लोग हमेशा टीम गठित करते रहते हैं। विधानसभा में भी उन्होंने टीम गठित की थी, लोकसभा में भी की, टीम गठित करते रह जाते हैं, लेकिन नतीजा आप सभी के सामने है। उनके काम का जवाब जनता उन्हें दे चुकी है, अब ये कुछ भी कर ले जनता इस पर विश्वास करने वाली नहीं है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विपक्षियों पर निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम है वो हमेशा टीम गठित करती ही रह जाती है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता, प्रदेश की जनता उनको जवाब देती रहती है समय समय पर, लोकसभा में भी उनको जवाब दिया, विधानसभा में भी उन्हें जवाब दिया, यानी निशाना साधते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कांग्रेस के ऊपर नजर आए। कांग्रेस ने दरअसल तमाम मामलों में टीम गठित की थी, एक बार फिर से दक्षिण चुनाव के लिए कांग्रेस ने जब अपनी टीम गठित की तो उसे लेकर के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी पर नजर आए। के समय सीमा तो चुनाव आयोग तय करेंगे कब चुनाव होगा, परंतु जब भी चुनाव होंगे हम चुनाव के लिए तैयार हैं और चुनाव का निर्णय हमारा जो केंद्रीय चुनाव समिति है वहां तय होता है। क्योंकि जब कोई मजबूत पार्टी होता है तो कई व्यक्ति जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, विश्व की बड़ी पार्टी है, हमारा हर एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के योग्य है और उसका जो कैंडिडेट को तय करने का काम केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। और प्रभारी मंत्री और खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने जिला पंचायत के सभाकक्ष में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री और उपकरण देकर लाभान्वित किया। इस अवसर पर सांसद रूप कुमारी चौधरी, महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, सरायपाली विधायक चातुरी नंद, जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल, कलेक्टर विनय लंगेह और पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह, स्थानीय जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि दाल भात केंद्र का शुभारंभ होने पर कांग्रेस को निश्चित रूप से आपत्ति होगी, क्योंकि पिछली सरकार में घर घर में शराब की सप्लाई होती थी, शराब घोटाला होता था, पिछली सरकार की योजना थी कि घर घर शराब पहुंचे और हमारी योजना है कि गरीब को दाल भात मिले, हर गरीब भोजन कर सके, 5 रुपए में भोजन अगर कोई गरीब व्यक्ति कर रहा है इससे कांग्रेस को क्या आपत्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि करोड़ों का शराब घोटाला करने वाली सरकार आज दाल भात गरीबों को मिल रहा है, इस पर टिप्पणी कर रही है। उनको आपत्ति आएगी ही, क्योंकि गरीबों को 5 रुपए में दाल भात मिल रहा है इससे उनको आपत्ति है, क्योंकि उनकी सरकार की योजनाएं थी कि हर घर पे दाल भात नहीं, खाने की चीजें नहीं, जो शराब हर घर पर पहुंचे, हर व्यक्ति को मिले, ये उनकी योजना थी और दाल भात सबको मिले ये हमारी योजना है। मुझे लगता है वैचारिक रूप से, जो मैं हमेशा कहता हूं कि वैचारिक रूप से ही कांग्रेस समाप्त हो गई है। किसी भी सरकार की और कुछ अच्छी योजनाएं रहती हैं तो उस पर अच्छी बात करनी चाहिए। यदि दाल भात केंद्र खुल रहा है, 5 रुपए में श्रमिकों को, गरीबों को यदि योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो उसको तारीफ नहीं कर सकते, तो कम से कम शांत रहना चाहिए, मुंह बंद रखना चाहिए। ये लोग हर गली में हर घर में दारू किस तरीके से पहुंचे, अवैध दारू का धंधा करने वाले लोग आज एक अच्छी योजना पर टिप्पणी कर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है।
और भिलाई के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में एक बहुउद्देशीय एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ वैशाली नगर विधायक के सेन ने हरी झंडी दिखाकर किया। भिलाई दुर्गवासियों के लिए ये एम्बुलेंस मात्र 100 रुपए में मरीज को अस्पताल और घर लाने ले जाने की सेवा प्रदान करेगी। विधायक के सेन ने बताया कि फिलहाल एक एम्बुलेंस वैशाली नगर निवासियों को समर्पित की जा रही है और जल्द ही 3 से 4 एम्बुलेंस क्षेत्र के इसी तरह जो है रियायती दर पर अपनी सेवाएं देगी। उन्होंने बताया कि शव को अस्पताल से घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस निःशुल्क सेवा देगी। गौरतलब हो कि मरीज की जरूरत को देखते हुए समाज सेवी संस्था जीवरानी देवी वेलफेयर सोसाइटी की देखरेख में यह एम्बुलेंस सेवा संचालित होगी। मौके पर उपस्थित डॉक्टर अरुण मिश्रा ने बताया कि मृत शरीर को लेकर के जाने वाले के लिए एम्बुलेंस निःशुल्क सेवा देगी। जरूरतमंद QR कोड और बैंक के माध्यम से 100 रुपये का शुल्क ऑनलाइन दे सकेंगे। महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक के दूरस्थ और ओडिशा सीमा से लगे ग्राम अंकोरी में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कलेक्टर विनय लंगे, पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह सहित जो है जनप्रतिनिधिगण और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में अंकोरी सहित आसपास के कई गांव के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी मांग और समस्याओं को लेकर पहुंचे, जहां जिला स्तरीय अधिकारियों ने अपने अपने विभाग में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही समस्याओं को लेकर मिलने वाले आवेदन का निराकरण भी किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने सभी को सुपोषण का शपथ दिलाई। जिला स्तरीय इस शिविर में कुल 323 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 149 आवेदन मौके पर ही उनका निराकरण किया गया। अन्य आवेदन मांग और शिकायत संबंधित होने की वजह से आवेदन पर परीक्षण कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो जिला स्तरीय हमारा समस्या निवारण शिविर है, उसका आयोजन आज विकासखंड बसना के ग्राम पंचायत अंकोरी में किया गया है। 240 से अधिक हमारे यहाँ पे आवेदन प्राप्त हुए हैं और अभी भी निरंतर यहाँ पे आवेदन आए जा रहे हैं, जिन सभी का पंजीयन हो रहे हैं। बेसिकली राजस्व संबंधी, अपना जल जीवन मिशन संबंधित, महतारी बंधन योजना के संबंध में और विभिन्न प्रकार की शिकायतें यहाँ पे प्राप्त हो रही हैं और सभी अधिकारी को यही निर्देश है कि सभी आवेदकों का जो मोबाइल नंबर है अपने उनके जो आवेदन है उन पर लिखवाएं और उसका गुणवत्ता के साथ इसे निराकरण करें और हर सप्ताह जो भी गुणवत्ता पूर्व जो निराकरण किया गया उसकी तिथि से संबंधित हितग्राही को भी अवगत कराना है। और काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, काफी अच्छी भीड़ में यहाँ पे लोग उपस्थित हुए हैं। सभी हमारे समस्त हमारे जनप्रतिनिधि बस हमारे मीडिया के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए और काफी अच्छा आयोजन है। दूसरा चीज है जी जी, जो शासन के निर्देश है प्रयास यही है कि प्रति माह मिनिमम 2 शिविर का आयोजन करना है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो दूरस्थ हमारे जो ग्राम पंचायत है जो बॉर्डर के साथ है वहाँ पे सबसे पहले शिविर का आयोजन किए और नेक्स्ट शिविर हमारा पिथौरा जो हमारे विकासखंड है वहाँ पे उसका आयोजन होगा और उसके बाद फिर महासभा में होगा और ये साइकिल पूरा चलता रहेगा। देखिए इसमें जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जो हमारी अवैध शराब है उसकी बिक्री पे पूरा रोक लगाना है। हमारे पास भी जानकारी जो है मीडिया के माध्यम से प्लस अन्य स्रोतों से आती रहती है और रिसेंटली कुछ कार्रवाई भी हुई है, ऐसा नहीं बोल सकते कि कार्रवाई नहीं हुई है, परंतु पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए हमारा प्रशासन तो उसमें काम करेगा ही, परंतु मुझे आप सभी का भी सहयोग इसमें चाहिए होगा। मेरे पास आज ही आप मेरे संज्ञान में आए आपके माध्यम से, इसके मैं चेक करूंगा। नहीं ऐसा नहीं होता है, देखिए प्रशासन के जितने डिपार्टमेंट है, चाहे जिला कलेक्टर है, चाहे जनपद CEO है, चाहे तहसीलदार है, सभी के ऑफिस जो होते हैं वो अभी हमारे जितने भी आम जन की समस्या को सुनने के लिए होते हैं, तो प्रयास परंतु यही रहना चाहिए कि जो तहसील स्तर की शिकायत है उनका निराकरण तहसील स्तर पे हो जाए, जो ग्राम पंचायत स्तर की शिकायत है उनका निराकरण ग्राम पंचायत स्तर पे हो जाए, उसी दिशा में बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में इसमें हम। और बुधवार को आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर विलास भोसकर ने पिछले सप्ताह हुई कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा दिए गए निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने बैठक में कहा कि विभागों को शासकीय योजनाओं, कार्यक्रमों और विभागीय कार्यों के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की समस्या आने पर तुरंत संज्ञान में लाएं, जिसका त्वरित निराकरण भी किया जा सके। तो छत्तीसगढ़ की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।